सूरत शहर अंबाजी रोड पर आवेली 100 वर्ष जूनी नागरपंचमी वाड़ीना पहला माळनो धाबो अचानक धराशायी थई जता ભાગદોડ મચી ગઈ હતી। ગ્રાઉન્ડ પ્લસ એક માળના જર્જરિત મકાનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રહેતા 6 લોકોનો આ ઘટનામાં ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો, જેથી આ ઘટનામાં કોઈ પણ જાનહાનિ નોંધાઈ ન હતી। अंबाजी रोड पर 100 वर्ष जूनी वाड़ी पहला माड़ धाबू अचानक धराशायी थता रहवासी में भागदौड़ मची गई थी। जगह आ जर्जरित मकान ग्राउंड फ्लोर पर रहता 6 लोगों चमत्कारिक बचाव थता जानहानि टळी हती। स्थानिक लोगों जणाव्या अनुसार आश्रे 100 वर्ष जूनी नागरपंचमी वाड़ी ग्राउंड प्लस एक माड़ मकान बनावामां वधु पड़ता लाकड़ा वपराश कराया हतो। आ जर्जरित मकान ने उतारी पाड़वा अगाउ 4 वक्त मनपा ने जाण पण कराई हती। जोके आज सवारे अचानक आखा मकान में ध्रुजारी आवता नीचे रहता लोको बाहर दौड़ी आव्या हता अने जोत जोता में पहला माळनो थाबू धड़ाका साथे तूटी पड्यो हतो, जेने लई पहला माळनी दीवाल पण धराशायी थई गई हती। स्थानिक लोकोए जणाव्युं हतुं के छेल्ला केटलाक दिवस सुधी आ वाड़ीना बिल्डिंगमांथी काटमाळ पड़तो होवानी फरियाद पण कराई हती। लगभग 100 वर्ष जूनी नागरपंचमी वाड़ीनो ग्राउंड प्लस एक माळनो मकान बनावामां वधु पड़ता लाकड़ानो वपराश कर्यो हतो, त्यारे आजे सवारे अचानक आखा मकानमां ध्रुजारी आवता नीचे रहता तमाम लोको घर बहार दौड़ी आव्या हता। त्यारबाद पहला माळनो धाबानो भाग धड़ाका साथे तूटी पड्यो हतो, जेने लई पहला माळनी दीवाल पण धराशायी थई गई हती। घटनाने लई आखा फळियामां लोको बहार दौड़ी आव्या हता। फायर विभाग ना अधिकारियों पण घटनानी जाण बाद स्थळ विजिट करवा आव्या हता, एटलुं ज नहीं पण आखो मकान उतारी पाडवानो निर्णय कराया हतो। जर्जरित नागरपंचमी वाड़ीने उतारी पाडवा पालिकामां 3 થી વધુ અરજીઓ થઈ ચૂકી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। જોકે વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। ઘટનાની જાણ બાદ ફાયર વિભાગે સ્થળ નિરીક્ષણ કરતા આખી બિલ્ડિંગ ઉતારી પાડવા સૂચન કર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। ઘટનાને લઈ ફળિયામાં લોકો બહાર દોડી આવ્યા હતા અને ઘટનાની જાણ બાદ ફાયર વિભાગે સ્થળ નિરીક્ષણ કરતા આખી બિલ્ડિંગ ઉતારી પાડવા સૂચન કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ ન્યૂઝ, સુરત।